तो यहाँ पर फ्राइड राइस आ चुके हैं और शहरों में आके ना हम नई नई चीजों का अनुभव ले रहे हैं। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, जो ये घास काटा है ना ऐसी गाय को दे देते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ शहरों में ना कुट्टी काटनी पड़ती है। कुछ ऐसे बन रहे हैं मोमो। तो गाय शहरों की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर हर दिन मार्केट लगी रहती है और यहाँ पे सब्जी सस्ती भी मिलती है। तो गाइस फर्स्ट टाइम मैंने ना हल्द्वानी में आके घास काटा और काफी अच्छा लग रहा। यहाँ क्या हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके घास काटा जा रहा है। खेत में तो चलो ऐसे काटा जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या रहता है, धूप रहती हो रहती है, तो ऐसे जो दुपट्टा होता है हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे सर में रखते हैं। और कोई कोई तो ऐसे ऐसे करके ऐसे पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो ना ऐसे किए पकड़ा ये। पहाड़ की चेली ओरी ना त्यार खोटू घुनरोरी ना। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है हिना कार्तिक पासवान और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंद व्लॉग्स उत्तराखंडी पे। की वीडियो की शुरुआत हो रही है महिंद्रा शोरूम से। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं, कार की सर्विस में कुछ काम बच गया था, वही आज होने वाली है। तो यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट की ओर, क्योंकि मार्केट में भी हमारा कुछ काम है। सामने रही हमारी एक्सयूवी, इसका ना अलाइनमेंट होना रह गया था, तो वो अभी नंबर पर लगी हुई है। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो हम लोग ना रिसेप्शन में बैठ जाते हैं और मिस्टर जी और भैया इसका काम अपना करवाते हैं। हम लोग अभी वेटिंग रूम में रुके हुए हैं और मिस्टर जी और भैया ना नीचे ये कार के पास। तो यहाँ से ना जहाँ पर कार के अलाइनमेंट वगैरह हो रही है वो साफ दिखाई दे रहा है पीछे से, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सामने है मिस्टर जी एंड भैया जी। तो हमारी एक्सयूवी चलेगी है अलाइनमेंट के लिए। सो फाइनली हमारा कार का काम कंप्लीट हो चुका है और हमारी एक्सयूवी भी उस रूम से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं शोरूम से और मार्केट में ना दीदी का काम है, तो मार्केट की ओर चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट पर। यहाँ पे से दीदी ने ना बच्चों के लिए कपड़े रखने हैं और यहाँ पे ना पार्किंग की व्यवस्था नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल यहाँ पर काम चल रहा है। तो मिस्टर जी लोग ना दूसरी जगह गए हैं पार्किंग के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और दीदी क्या क्या शॉपिंग करती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो फिर। दीदी यहाँ पर काव्य के लिए कपड़े छाटने लग गए हैं और दीदी ने यहाँ पे दो कपड़े सेलेक्ट कर दे और कुछ कपड़े ना और पसंद आ रहे हैं दीदी को, लेकिन वो काव्य के साइज के नहीं मिल रहे। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? काव्य होगी पतली, काव्य होगी पतली, कपड़े होगे चौड़े। चलो फिर अब दो मंजिले में देखते हैं। दीदी ने काव्य के लिए कपड़े ले लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉय सेक्शन में, वहाँ से दक्षु के लिए कपड़े रखने हैं। हम लोग मॉल से बाहर आ चुके हैं, दीदी लोग वहीं पे अभी वो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। बाकी मॉल से बाहर आते ही इतनी भयंकर गर्मी हो चुकी ना यहाँ पे, तो शहर में ना गर्मियों के दिनों में रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रह जाता है। और ठंडी के दिनों में भी वैसे होता है, कोहरा वगैरह लगता है, जब तो होता ही नहीं है यहाँ रहने का मन। मतलब ना गाँव ही अच्छा, गाँव ही बेस्ट है अपना। वहाँ गर्मियों में भी ना गर्मी होती है और ठंडियों में ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। काम करते करते दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हमारा दिन का लंच नहीं हुआ है। तो दीदी ना हमें एक जगह पे लेके आ चुके हैं जहाँ पे फ्राइड राइस बनते हैं। तो आज का हमारा लंच ना फ्राइड राइस रहने वाला है, फर्स्ट टाइम। देखते हैं यहाँ पर कैसा बनाते हैं, जो दीदी हमें इतनी जिद करने पे यहाँ पे लाई है। ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा फिर मैं ऐसे ऐसे करूँगी, नहीं पसंद आएगा। अच्छा बनेगा तो अच्छा बनेगा तो तारीफ होगी, गंदा बनेगा तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह खा लेना ये देखो। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है और बाहर पर ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत गंदा सा हो गया। तो हम लोग ना कार में ही जा रहे हैं और कार में ही भैया लेके आएंगे। तो यहाँ पर फ्राइड राइस आ चुके हैं और शहरों में आके ना हम नई नई चीजों का अनुभव ले रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे हमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे और इस बार फ्राइड राइस खा रहे हैं। वैसे घर में तो हम लोग खाते हैं फ्राइड राइस, लेकिन उसमें ना सिर्फ जीरा और चावल डालते हैं और इसमें सब्जी वगैरह है। तो हम लोग ना हर बार नई नई चीजें खा रहे हैं और ये सिर्फ ना दीदी लोगों की वजह से खा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ आके पता भी नहीं होता कि ऐसी चीजें भी बनती है, करके हम लोग गाँव से जब तो ज्यादा कुछ चीजें हमें पता नहीं रहती है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। हम हल्द्वानी में रह पे ना भूटी भाता खानो ज्यादा। अच्छा एम जो बात दाल बात खाना सुनो, अच्छा है इसका टेस्ट भी ना बहुत अच्छा है। आप हम लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे और हमारा सामान वगैरह सब यहीं था। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर सामान वगैरह ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे दीदी लोगों के रूम पे। फिर उसके बाद कल परसों में देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बनता है, घर भी जा सकते हैं या यहाँ से कहीं ट्रिप में भी जा सकते हैं। जो भी होगा वो आपको वीडियो के द्वारा पता चल ही जाएगा। शाम के 4 बज चुके हैं और बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो दीदी ना बच्चों को पहुँचाने के लिए जा रही है और मैं भी जा रही हूँ दीदी के साथ। ये हमारा फ्यूचर है। बच्चों को ट्यूशन पहुंचा दिया है और अभी मैं जा रही हूँ दीदी के साथ खेत में। तो आज ना मैं दीदी के लिए घास काट के लाती हूँ इनकी हेल्प। ठीक है, घास काटती हूँ ना तभी गाड़ में जाना ज़्यादा तुम्हें पड़ा। एक गुढ़ाई काट रही। अच्छा, एक गठरी।
तो चलते हैं खेत में, वहां से घास काट के लाते हैं। और यहाँ ना शहरों में खेत ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं, घर के पास में होते हैं। सामने ना ऐसे खेत होते हैं और इसी में से ना घास काट के लाना पड़ता है। एंड हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जंगल जाके वहाँ से घास वगैरह लाना पड़ता है। यहाँ इजी है, गाय भैंसों को पालने में भी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे ना मैंने दो दो फोन पकड़ लिए, एक मेरा है और एक हिनू का। तो अब हिनू बताएगी कि हम वो लोग पहाड़ों में घास कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं ये हिनू बताएगी। यहाँ क्या हो रहा ना, ऐसे ऐसे करके घास काटा जा रहा है। खेत में तो चलो ऐसे काटा जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या रहता है, धूप रहती हो रहती है, तो ऐसे जो दुपट्टा होता है हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे सर में रखते हैं। और कोई कोई तो ऐसे ऐसे करके ऐसे पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो ना ऐसे किए पकड़ा ये बस पकड़ा आज यहाँ पे हिनू काट रही है हमारे यहाँ घास। हिनू कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रही है ना मिस्टर जी, ऐसे तो घास खेतों में होता है, गर्मी में दो चार गाय आराम से पाल लेती, जंगल जाने का वो नहीं वाला। फर्स्ट टाइम मैंने ना हल्दा निमा के घास काटा है और काफी अच्छा लग रहा। तो घर में तो काम करते ही हैं और मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी दीदी लोगों के साथ खेत में चलती हूँ और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करती हूँ। घास लेके घर पा चुके हैं। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, जो ये घास काटा है ना ऐसी गाय को दे देते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ शहरों में ना कुट्टी काटनी पड़ती है, फिर उसके साथ भूसा मिक्स करके देते हैं ना। और दीदी लोग बता रहे थे अगर हम लोग ऐसी घास डाल देंगे ना यहाँ गाय को, तो उसका पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे चलता है, तो यहाँ पे कुट्टी है इसी में दीदी लोग घास काटते हैं, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा ही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। और आज हमारा ना मोमो बनाने का प्लान है, तो दीदी लोग आज मोमो बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं घर पर बनने में मोमो खाऊंगी आज। मोमो बनाने में मिस्टर जी और भैया की ओर से ना पूरी हेल्प हो रही है, आधा काम ये लोग भी कर रहे हैं। आज ना हमारे यहाँ पर बनने लग गए हैं मोमो, यहाँ पर हो गई है पूरी मोमो की तैयारी। ये कटा हमारा प्याज काट के हमने प्याज कॉलने रख दिया है, और ये रहा पत्ता गोभी और ये रहा सोयाबीन चूरा। वैसे तो हम घर के मसाले ही यूज करते हैं, बाजार के करते ही नहीं है। मोमो के लिए मसाला बन के रेडी हो चुका है, वो गर्म है तो हमने उसे ना ठंडा होने के लिए रख दिया है। और मिस्टर जी और मैं जा रहे हैं अभी मार्केट तक, तो मार्केट से ना सब्जी वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल घर की ओर। तो आज यहाँ पर पास में ही बाजार लगा हुआ है, तो हमने सोचा बाजार से सब्जी वगैरह ले जाते हैं, क्योंकि सुबह सब्जी मंडी जाते टाइम ना काफी ट्रैफिक वगैरह मिलता है। तो अभी सारा इंतजाम कर लेते हैं घर के लिए, कल सुबह हम फुल करके फिर घर की ओर चले जाएंगे। तो थोड़ी बहुत सब्जी घर के लिए रखेंगे और थोड़ी बहुत यहाँ पे दीदी के लिए रख के जाएंगे। लोग बाजार पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो फटाफट से सब्जी वगैरह रख लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हेलो, थैंक यू। तो गाइस शहरों की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर हर दिन मार्केट लगी रहती है और यहाँ पर सब्जी सस्ती भी मिलती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना दुकानों में सब्जी काफी ज्यादा महंगी मिलती है। और खेतों में लगाते हैं ना तो उगती नहीं, आजकल कहीं कहीं पर उगाई जाती है और वो नेचुरल सब्जी होती है, और कहीं कहीं पर ना वैसी सब्जी होती ही नहीं है। तो फायदा भी है नुकसान भी है, गाँव में रहने का फायदा भी है नुकसान भी है, वैसे शहरों में रहने का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो मैं यहाँ पर से सब्जी लेने लगी हूँ, तो फटाफट से अब मैं सब्जी ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, तो वो मिल जाते तो मैं सब्जी नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे मेरे काफी सारे YouTube फैमिली के मेंबर्स मिल रहे हैं, जिनमें से दीदी भी मिल गई। तो मुझे ना तुरई समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टाइट है कौन सी क्या है, तो दीदी मेरे हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने मेरे ना तुरई भी छाट दिया, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मार्केट से हम लोगों ने सब्जी वगैरह रख ली है, और सब्जी रखते रखते हमें यहाँ पर अंधेरा हो गया है। तो हमारा सामान ना भैया लोगों के वहाँ पर है, तो एक बार हम लोग वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे दीदी लोगों के रूम के लिए। हम लोग घर पर पहुँच चुके हैं और दीदी लोगों के यहाँ पर मोमो की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मोमो बनने लगे, एक गोले बनाने में लगे हैं, एक बेलने में लगे हैं, और एक यहाँ पर मोमो को फिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे बन रहे हैं मोमो,
मोमो बन के रेडी हो चुके हैं और दिखने में तो ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं और ना सेम दुकान की तरह लग रहे हैं ये देखो, जैसे होटल वगैरह में होते ना। तो अब हम लोग मोमो खाते हैं और आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो जैसा भी बना था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने ख्याल के, बाय बाय।